वेलकम टू क्रिक साइंस। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद चैनल पे एक नया वीडियो आ रहा है। आप विकेट कीपर हैं तो आपके लिए भी अलग अलग ड्रिल्स मैं लेकर आ रहा हूँ इस चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं समय समय पर नए नए टॉपिक्स लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को। अक्सर विकेटकीपर को उल्टे गेंदबाज के अगेंस्ट आउटसाइड एज को गैदर करने में प्रॉब्लम होता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। इसी तरह मीडियम पेसर के विरुद्ध भी लेग साइड के कैचेस में भी वह लगातार प्रॉब्लम में रहता है। आइए एज की प्रैक्टिस के लिए ड्रिल को समझें। सेटअप वीडियो के अनुसार करेंगे। विकेटकीपर स्टांस लेगा। सामने हमने एज लगने के स्थान में मैट लगाया है। आप इसी तरह लकड़ी या कोई दूसरी चीज लगा सकते हैं। आप ध्यान दें कि मैट ऑफ या मिडिल स्टंप पर बैट्समैन के फ्रंट फुट पर प्लेस हो, जिससे एज आपको ऑफ स्टंप के बाहर मिल सके। इसे आप कुछ इस तरह से करें। ध्यान रखें कि कोई कोई बॉल फील्डर सीधी भी रखे। हमने विकेट कीपर के हेलमेट पर GoPro 8 कैमरा लगा दिया है, जिससे विकेट कीपर के व्यू को भी हम देख पाएंगे। आइए ड्रिल शुरू करते हैं। शुरुआत में स्पीड कम रखें, फिर धीरे धीरे स्पीड और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएं। आइए अब स्पिनर्स के विरुद्ध लेग साइड के कैचिंग को देखें। इस ड्रिल में फील्डर अलग अलग एंगल से बॉल फीड करेगा। कुछ टाइम बाद हम इसमें बैट्समैन को भी इंक्लूड करेंगे। ड्रिल 3, लेग साइड में फुलर लेंथ या यॉर्कर बॉल को गैदर करना। विकेट कीपर अक्सर इस बॉल को गैदर करने में प्रॉब्लम में रहते हैं। इससे बचने के लिए यह ड्रिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप बीच बीच में लाइन बदलकर फीड करें। ड्रिल 4, लेग ब्रेक या लेफ्ट आर्म का वह बॉल जो लेग स्टंप के बाहर पिच होता है और कभी टर्न होता है और कभी टर्न नहीं होता, ऐसे में यह बॉल आपको काफी प्रॉब्लम देता है। इससे बचने के लिए आप फुटवर्क के इस टेक्निक को समझें। इस टेक्निक में आप हेड को अपने जगह रखकर केवल अपने लेफ्ट लेग को लेग साइड में बॉल के लाइन के ज्यादा से ज्यादा नजदीक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। नजर बॉल पर, अगर गेंद टर्न होता है तो आप पैर खींचकर वापस आ जाएंगे, वरना लेग साइड पर कंप्लीट फुटवर्क करके बॉल गैदर करेंगे। ड्रिल को देखें। इस ड्रिल में विकेट कीपर के सर और पैरों के मूवमेंट्स को समझें। ड्रिल 5, यह ड्रिल ऐसे विकेट कीपर्स के लिए है जो लेग साइड में डाइविंग कैचेस में अच्छे से जंप और रोल नहीं कर पाते। इसका कारण फिटनेस और टेक्निक दोनों होते हैं। हम यहाँ केवल टेक्निक को समझते हैं। कई विकेट कीपर बॉल के पीछे दौड़ते हैं, जबकि उन्हें एक स्टेप के बाद जंप करना हो चाहिए। वहीं कुछ लोग जंप करते वक्त घुटने को जमीन में लगा देते हैं, जिससे जंप ना के बराबर होता है और बॉडी पोजिशन भी बिगड़ जाता है। इस स्किल में आप मास्टरी के लिए दो हर्डल या बैटिंग पैड रखकर वीडियो में दिखाए गए ड्रिल के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे। इसमें दूसरे कदम के बाद आपको हर्डल के ऊपर से जंप करना होता है। ध्यान रखें यह ड्रिल सीधे ना करें। इससे पहले आप हमारा यह वीडियो जरूर देखें। आप कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि आप विकेट कीपिंग में किस चीज को इंप्रूव करने के लिए कौन सी ड्रिल चाहते हैं। विकेट कीपिंग को एंजॉय करें। गुड लक।